गाड़ी की टक्कर लगते ही ड्राइवर हो गया फरार। गाड़ी में भरा था पूरा देसी और विदेशी शराब। गांव वाले ने लूट लिया पूरा माल। अब शराब लूटने के बाद गांव वाले भी हो गए फरार। गाड़ी कर रही पुलिस की आने के इंतजार। सिवान से कैसा ही हैरान कर देना मामला सामने आया जहां पे शराब की बम्पर लूट हुई है। बता दें कि पूरी घटना महाराजगंज अनुमंडल क्षेत्र में घटी हुई है, जहां पे महाराजगंज अनुमंडल क्षेत्र के कुशवाहा मोड़ के समीप एक ब्रेजा गाड़ी थी जिसमें शराब भारी मात्रा में भरा हुआ था। स्थानीय लोगों ने सभी शराब को लूट लिया है। पूरी घटना बता दें कि सारण जिले के जनता बाजार के समीप शराब भरी जो गाड़ी थी वहां पे एक अनियंत्रित होकर एक व्यक्ति को धक्का मार दिया। धक्का मारने के बाद तेज रफ्तार से गाड़ी जो है दरौंदा थाना क्षेत्र के कुशवाहा मोड़ पे पहुंची, जहां पे एक बाइक में टक्कर मार दिया। बाइक में टक्कर मारने के बाद स्थानीय लोगों ने कार को घेर लिया। कार को घेरने के बाद उसमें सवार ड्राइवर और जो भी शराब कारोबारी थे आसानी से फरार हो गए। जैसे ही स्थानीय लोगों देखा कि गाड़ी खड़ी, इसके बाद स्थानीय लोगों ने शीशा तोड़ दिया। शीशा तोड़ने के बाद पता चला कि ब्रेजा गाड़ी में भारी मात्रा में विदेशी शराब रखा हुआ है। जैसे ही गांव वालों को भड़क लगी विदेशी शराब है, गांव के लोगों ने लूट मचा दिया। लूट ये मचा दी गांव गाड़ी में जितने भी शराब रखा हुआ था सभी लेकर आसानी से फरार हो गए। तमाम तरीके के वहां से वीडियो भी सामने आ रहा है जहां पे गांव के लोगों ने शराब लूटते हुए नजर आ रहे हैं। वह इस घटना की जानकारी मिलते ही सारण के जनता बाजार थाने की पुलिस जो है घटनास्थल पहुंची हुई है। महाराजगंज थाने की पुलिस जो है घटनास्थल पहुंची हुई है। दरौंदा थाने की पुलिस जो है घटनास्थल पहुंची हुई है। पूरी घटना बताया जा रहा है कि महाराजगंज अनुमंडल क्षेत्र के दरौंदा थाना क्षेत्र के कुशवाहा मोड़ की समीप घटी हुई है, जहां पे तेज रफ्तार ब्रेजा गाड़ी ने एक बाइक में आकर टक्कर मार दी। इस वास्ते स्थानीय लोगों ने गाड़ी को घेर लिया और गाड़ी को घेरने के बाद पता चला कि उसमें शराब भरा हुआ है। इस वास्ते स्थानीय लोगों ने शराब की लूट मचा दी। बिहार में जिस तरह शराबबंदी कानून लागू है उसके बावजूद भी शराब आसानी से बॉर्डर इलाका से पार कर गांव-गांव तक पहुंच जा रहा है, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। इस तरह शराब की लूट मची हुई देखने को इस मामले में पुलिस जो क्या कुछ कार्रवाई करती है, कब तक लूटने वाले के पास पहुंचती है, कब तक शराब कारोबारी के पास पहुंचती है, यह तो आने वाला समय बताएगा।